हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनी, शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ और एक कंसल्टेंट। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है और साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी होने वाली है। आसान क्यों होने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड है नॉर्थ साइड का, यानी कि अगर हम दिल्ली और पंजाब साइड में जाएंगे तो ये हर एक जगह पे आपको रोड साइड में बिकती हुई मिलेगी। और दूसरी, हेल्दी क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, ऑयल का यूजेज नहीं है। तो आज ये रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, इस रेसिपी का नाम है मटर कुल्चा, बट यहाँ पर कुल्चे की जगह मैं पाव का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मटर पाव या मटर कुल्चा बनाने के लिए जो मटर बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं चॉप ऑनियन जो कि बारीक काटा हुआ है छोटे साइज़ का, आधा नींबू यूज़ करूँगा मैं या लेमन, उसके बाद मैं ग्रीन चिली दो है जो मैं चॉप करके मैंने लिया है, टमाटो एक छोटे साइज़ का मैंने चॉप करके लिया है, हरा धनिया मैंने अराउंड 1.5 टेबल स्पून लिया है, फाइन चॉप कर लिया इसको। इसके अलावा इमली का पानी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ मैंने गर्म पानी में अराउंड 2 इंच इमली को भिगो दिया था और उसके बाद इमली का जो पल्प था वो निकाल दिया था, यहाँ पे सिर्फ अब इमली का पानी बचा हुआ है। मटर जो है हरा मटर या पीला मटर कुछ भी चलेगा, ये हम यूज़ करेंगे, जिसको हम पूरी रात भिगो के ले लेंगे और उसके बाद हमने इसको 6-7 जो है विसल कुकर में देनी है, सो देट कि वो बिल्कुल मशी लुक में आ जाए। इसके बाद जो मसाले यूज़ करेंगे हम, उसमें हम रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे जो मैं लूँगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। इसके बाद हम चाट मसाला डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आपका टू टेस्ट रहेगा, और गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मटर हमें कौन सी कंसिस्टेंसी में बनानी है। तो यहाँ पे जो ये कच्चे मटर थे इसको मैंने पूरी रात भिगो लिया था, और भिगोने के बाद मैंने मॉर्निंग टाइम में इसको जो है 6-7 विसल कम पानी में कुकर में विसल मार ली थी, तो वो ऐसा मशी लुक आ गया। अगर आप देखें इसको तो बिल्कुल मशी लुक में है, और इसका एक्सेस जो वाटर है वो मैं निकाल चुका हूँ, तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें मसाले डाल लेते हैं, जिसमें हम डालेंगे चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, उसके बाद ब्लैक पेपर, और फिर भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा जीरा हम रखेंगे इसकी गार्निश के लिए भी। तो यहाँ पे हम डालेंगे ग्रीन चिली, टमाटो, थोड़ा सा टमाटो मैं रखूँगा गार्निश के लिए, उसके बाद चॉप ऑनियन, इसमें से भी मैं थोड़ा ऑनियन रखूँगा गार्निश के लिए, और उसके बाद धनिया, और धनिया भी हम थोड़ा सा रखेंगे गार्निश के लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और इमली का पानी, ये आप जितना खट्टा रखना चाहते हैं उतना ही डालें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं तो कम ही डालें। तो चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे जो मटर कुल्चा के मटर हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुल्चा नहीं, मैं पाव यूज़ कर रहा हूँ, तो पाव को हम बटर लगा के थोड़ा सेक के गर्म कर लेंगे और फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको, थी ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। और दूसरी बात कि ये हेल्दी बहुत है, क्योंकि इसमें ना तो कुकिंग है और ना ही इसमें ऑयल का यूज़ हो रहा है, सिर्फ हमने बॉयल्ड मटर जो होते हैं उससे हमें यूज़ करके जो इसमें मसाले डाल के और वेजिटेबल डाल के इसको बनाया है। तो घर पर ये रेसिपी जो है ये बनाइए, और उसके बाद मुझे बताइए कि रेसिपी सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको मेरे वीडियोज़, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि मेरी जितने भी नए वीडियोस हैं, नई रेसिपीज़ हैं, वो जल्दी से जल्दी आपके इनबॉक्स में आ सके। और क्योंकि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी नई से नई चीज़ें आपके लिए जो है लेके आ सकूँगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।